बाबा साहब का बोधिसत्व होने का मतलब जानिए। उससे पहले जान ले बोधिसत्व होता क्या है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व का मतलब प्रबुद्ध होता है। सीधे शब्दों में बुद्ध का अवतार कहा जाता है। गौतम बुद्ध का कहना था कि न मैं पहला हूँ न अंतिम, बुद्ध पहले भी हुए और आगे भी होंगे। इसी को आधार बनाकर बुद्ध के अवतार को बोधिसत्व कहा जाता है। बाबा साहब आम्बेडकर जब बर्मा में बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए, तब वहां उन्होंने बौद्ध धर्म पर काफी ओजस्वी भाषण दिया और भारत में बौद्ध धर्म की वापसी की बात कही। उनका जब भाषण समाप्त हुआ तो वहां उपस्थित सभी भिक्षु अपना सिर झुकाकर डॉक्टर आम्बेडकर को नमन करने लगे और कहा, यही है बोधिसत्व जिनका इंतजार सदियों से हो रहा है। और सभी ने एक मत से डॉक्टर आम्बेडकर में आस्था जताते हुए बौद्ध धर्म की सारी धर्म ग्रंथ सौंप दी और उनके कहे अनुसार धर्म में परिवर्तन के लिए भी राजी हो गए। ऐसा इसलिए हुआ कि बर्मा देश में यह मान्यता थी कि बुद्ध महापरिनिर्वाण के 2500 साल पूर्ण होने पर भारत में बुद्ध का धर्म फिर से गतिमान होकर विश्व कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करेगा और यह बोधिसत्व भारत में प्रकट होगा और अपनी बौद्ध संस्कृति के गौरव को वापस अपने देश में लाएगा। यह बर्मावासियों की मान्यता अकारण नहीं थी। इसका भी एक कारण है। सम्राट अशोक के गुरु महास्थवीर मागलिपुत तिश्य द्वारा बर्मा देश में सोन और उत्तर नाम के दो अर्हंत बौद्ध भिक्षुओं को धर्म प्रचार के लिए भेजते हुए यह भविष्यवाणी की थी कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण से 500 साल बाद बुद्ध का धर्म लुप्त हो जाएगा एवं बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 2500 साल बाद फिर से भारत में बुद्ध का धर्म मानव कल्याण के लिए पुंजीवित होगा। तब तक इस धर्म को मूल रूप में जिंदा रखना जब तक कि कोई बोधिसत्व आकर अपने संपत्ति को यानी धर्म धार्मिक पुस्तकों को वापस न ले जाए। यह मान्यता बर्मा में काफी प्रचलित थी। महास्थवीर मागलिपुत तिश्य की भविष्यवाणी सिर्फ काल्पनिक मान्यताओं का लेखा नहीं था बल्कि वास्तविकता थी। डॉक्टर उल्लेखनीय है कि डॉक्टर बी आ आम्बेडकर ने लाखों लोगों को धर्म दीक्षा दिया। वह दिन 14 अक्टूबर 1956 था और बुद्ध संवत कैलेंडर के अनुसार यह दिन अशोका विजयादशमी था और इसी दिन को ही 2500 साल पूर्ण होते हैं। डॉक्टर महास्थवीर मोगलीपुत तिश्य के भविष्यवाणी को भारत के धरती पर किसी ने क्रियान्वित किया है वह मात्र डॉक्टर बी आर आम्बेडकर है, इसलिए उनको बोधिसत्व कहा जाता है। डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने कभी यह नहीं कहा कि मैं 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा लेकर धम्म दीक्षा दूंगा, बल्कि स्पष्ट रूप से कहा कि मैं अशोक विजयादशमी को धम्म दीक्षा लूंगा और दूंगा, क्योंकि यह दिन सम्राट अशोक का विश्व धम्म विजय दिन है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आगे यह भी स्पष्ट करते हैं कि धम्म दीक्षा दिन को अशोक विजयादशमी के उपलक्ष्य में हर्षोल्लास के साथ मनाए ताकि यह धम्म विजय दिन विश्व धम्म दिन बनकर चिर विस्मृत बना रहे। यह कोई संयोग नहीं था कि अशोक विजयादशमी के दिन ही आरएसएस की भी स्थापना की गई, क्योंकि इनके पूर्वजों ने इस दिन को अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या की थी। डॉक्टर अम्बेडकर भारत में बुद्ध धर्म के नायक के साथ साथ करोड़ों बहुजनों के भगवान भी है। आज सभी जगह उनकी प्रतिमाएं लगाई जा रही है, लोग उनके मूर्तियों को साक्षी मानकर शादी भी कर रहे हैं और अन्य धार्मिक काम भी कर रहे हैं। कोई भी प्रोग्राम होता है तो पहले डॉक्टर आम्बेडकर और बुद्ध को श्रद्धासुमन अर्पित किया जाता है। डॉक्टर आम्बेडकर के बोधिसत्व होने के कारण बोधगया में महाबोधि मंदिर के ही करीब उनकी बड़ी सी प्रतिमा लगाई गई है। इस प्रतिमा में बाबा साहब की हाथ की उंगली मुख्य मंदिर की ओर इशारा करती हुई लगाई गई है, जैसे वे अपने अनुयायियों को कह रहे हो, चलो बुद्ध की ओर, यही तुम्हारा धर्म है। जय भीम बल भीम, चलो बुद्ध की ओर।